अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अपने अंदर धामा कोर से निकले हैं, अभी फिर शहर की तरफ जा रहे हैं। और ये जब धामा कोर से बाहर जा रहे हैं तो आते हुए बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, खूबसूरत व्यूज और खूबसूरत ट्रैक। ज़्यादा कहीं अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा सामने हिल्स और ग्रीनरी और रोज जितनी भी है यूँ यूँ टारना सारे। नीचे से दामी को तक का सफर तकरीबन 4.5 किलोमीटर था, तो अभी यहाँ दामी को से आगे फिर सवा राउंड अबाउट 6 किलोमीटर है, 5.5-6 किलोमीटर है। तो अभी ये देखें यहाँ की ये व्हील देखिए, टर्न वगैरह, ये काफ़ी डिफिकल्ट रोड है, यहाँ से हर कोई नहीं आ सकता, स्पेशली न्यू बंदे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जब भी यहाँ पे बाइक पर टियर करें, जो नए लड़के हैं नए नए ड्राइवर हैं वो थोड़ी सी एहतियात करें। तो बाकी आपको रास्ते में से खूबसूरत व्यूज भी चेक कराएंगे। आप नीचे की तरफ इस्लामाबाद के व्यूज का तो ये इशू है कि थोड़ा सा फोकी ज़्यादा है और सही व्यू नहीं कैच हो रहे। तो चलो आगे का व्यू चेक कराते जाएंगे, आपको वह सामने अभी चेक करें खूबसूरत व्यू देखा सामने उधर से। हम वहाँ नीचे से आए हैं और दामने को इस साइड पे है और ये पीछे इस्लामाबाद का भी यहाँ से व्यू कैच हो रहा है। इसी तरह इस तरफ आगे देखें, हमने इस तरफ जाना है और आगे भी जाके फिर रास्ते में रुकेंगे, आपको कुछ व्यूज़ वगैरह चेक करवाएंगे। तो वीडियो को देखते जाए, यहाँ पे ये देखें कोई लोग हैं, यहाँ पे ये खाने पकाने का बारबेक्यू सिस्टम कर रहे हैं। ये पीछे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाइयाँ थी और काफ़ी मुश्किल टाइम थे, तो बाइक को चढ़ा के ले आया हूँ मैं। यूजली यहाँ पे हम आते होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे तो अभी मेरा पाँव थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बाइक को चढ़ा लाया हूँ। तो ये ट्रैक है आपको अगर आप मरी से आगे यूपिया की तरफ जाते हैं तो उधर की सिमिलरिटीज देता है, बल्कि उससे डिफिकल्ट ट्रैक है, ये काफ़ी मुश्किल यहाँ पर टाइम है चढ़ाइया। अभी ये जो सामने चढ़ाई आएगी ये बिल्कुल अयोध्या की तरफ आप जाएं तो उसी से बिल्कुल सिमिलरिटी में एक चढ़ाई आती है और वहाँ पर भी गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ती हैं। और वहाँ पर भी आगे जो देखें गाड़ी ये रुक गई है, बंदे उसको बता लगा रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल से चढ़ाएंगे। अभी ये बाइक वालों ने मुझे भी गलत कर दिया, ये रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यह है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं जब आप किसी स्पॉट में पहुँच जाते हैं तो आपको रास्ते की जितनी भी मुश्किल होती हैं वो भूल जाती हैं और आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। अभी यहाँ से फिलहाल तकरीबन 2 किलोमीटर है आगे। अभी यहाँ से देखें ये सीधा सीधा जो रास्ता जा रहा है ये तलाहड़ विलेज की तरफ जा रहा है और मुनाल और फिर सुहावा की तरफ इधर से रास्ता जा रहा है। ये सामने ये चेक करें, ये बोर्ड लगा हुआ है मुनाल यहाँ से 1 किलोमीटर है और तलाहड़ विलेज इस तरफ है, तो हम इस तरफ जाएंगे। अभी ये चेक करें सामने खूबसूरत व्यू, टोटली आपको ग्रीनरी और दरख्त ही दरख्त और बीच में रास्ता जा रहा है, यहाँ का टेम्परेचर भी चेंज है, आप
फौरन बिल्कुल मनार रेस्टोरेंट के पास है, तकरीबन आधा किलोमीटर का सफ़र आई थिंक रह गया, तो व्यू चेक करेगा यहाँ का। आप जब गर्मी में स्पेशली समर में यहाँ पे आते हैं तो यकीन करेंगे आपको वापसी का दिल नहीं करता, पर ये इस्लामाबाद से बहुत ही नज़दीक है, तकरीबन 35-40 मिनट की ड्राइव पर आ जाता है मनार। और यहाँ पे ये लाजमी नहीं आ गया मनार में जाएँ खाना खाने के लिए, जो लोग फ्लाइट कर सकते हैं वो तो मस्त है, लेकिन बाकी फैमिलीज वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, रास्ते में कहीं बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी ये चेक करेंगे सारी मनार की पार्किंग भी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होती है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ मनार रास्ता जा रहा है, और यहाँ पे सारा और जितने भी आपको नज़र आ रहा है ये सब मनार में जा रहे हैं। इधर ये देखें सारी रश इसी रेस्टोरेंट की है, तो इधर से अभी ये लेफ्ट साइड पे गोगीना कला एक विलेज है, इस तरफ रास्ता जा रहा है, और ये सामने मनार है। तो चलो यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं और आपको थोड़ा सा व्यूज यहाँ से चेक करेंगे, फिर आगे मजीद चलेंगे। ये नीचे एक विलेज है मनार के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। तो ये जो विलेज है ये हजारा डिवीजन में आता है। अभी देखें ये हम मनार पे हैं, और यहाँ पे अभी भी देखें नीचे काफ़ी फैमिलीज वगैरह काफ़ी लोग आए हुए हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और यहाँ से ऊपर हिल स्टेशन का व्यू चेक करें, और यहाँ ऊपर भी शूटिंग प्लान है उस तरफ भी, अगर उस तरफ जाए वहाँ पे भी, और यहाँ से भी। अभी देखें यहाँ पे खूबसूरत सीटिंग प्लान और इस तरफ का व्यू, फिर नीचे सारे लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड लाइट म्यूजिक है, और यहाँ से देखें सारा व्यू कंप्लीट इसका। यहाँ से नीचे का व्यू देखें, और फिर इस तरफ ये ग्लोरिया जींस कॉफ़ी। तो जी भैया, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको दामने को से लेकर मनार तक टूर करवाया, और मनार के कुछ क्लिप वगैरह चेक करवाए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।